हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट फोर्थ में जो आपका फ्लूड मशीनरी वाला चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स उसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोलिक पंप्स हाइड्रोलिक पंप्स क्या होते हैं क्या उसका क्लासिफिकेशन है और उसके बाद एक पंप आपके देखिए कोर्स में दो पंप हैं एक है सेंट्री पंप और एक है रेसिप्रोकेटिंग पंप सेंट्री पंप भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे यानी आपके यहां पंप का इंट्रोडक्शन उसका क्लासिफिकेशन और सेंट्रीफ्यूगल पंप में जितना भी मटेरियल है उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे क्लियर है नहीं तीनों के बारे में बात करेंगे तीन टॉपिक रहेंगे हमारे ठीक तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों हाइड्रोलिक पंप की कि हाइड्रोलिक पंप होता क्या है तो पॉइंट टू पॉइंट देखिए आपको समझाता चलूंगा सबसे पहले तो हाइड्रोलिक पंप करता क्या है हाइड्रोलिक पंप किसी भी फ्लूड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने का काम करता है पाइपलाइन के थ्रू हम क्या करते हैं पंप की हेल्प से फ्लूड को या तो लो लेवल से हाई लेवल पर लेके जाते हैं <coughs> या एक प्लेस प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने का काम करते है? वो काम कौन करता है हमारा पंप करता है ठीक है नहीं ये भी कह सकते हैं कि आप हाइड्रोलिक डिवाइस है जो किसी भी फ्लूड को लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाती है लेकिन जरूरी नहीं कि वो लो लेवल से हाई लेवल तक ही पहुंचाए सेम लेवल तक भी हम किसी फ्लूड को सर्कुलेट करने के लिए प्रेशर से सर्कुलेट करने के लिए हाइड्रोलिक पंप का यूज कर सकते हैं क्लियर है नहीं उसके बाद ये करता कैसे है पंप ये काम करता कैसे है ये जो पंप काम करता है ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है जिससे आपका फ्लूड प्रेशर से सर्कुलेट होता है क्लियर है नहीं ये ध्यान रखना है उसके बाद जो आपका पंप है वो चलता कैसे है पंप आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से भी चल सकता है सोलर एनर्जी विंड एनर्जी एनर्जी से भी आप पंप को यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो हम यूज़ करते हैं पंप बच्चों, वो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही हम पंप को ऑपरेट करते हैं आपके घर में देखा होगा ना जो सबमर्सिबल पंप है या जो है हम टुल्लू पंप जिसे कहते हैं जो सरकारी टंकी से पानी आता है उसे ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं वो सब क्या करते हैं वो मैकेनिकल वर्क को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिक एनर्जी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और मैकेनिकल को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एक तरह से ये मान ली कि ट्रबाइन का उल्टा होता है ये ट्रबाइन में क्या होता है ट्रबाइन में हम क्या करते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में और यहां क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में बात समझ में आ आगे नहीं तो ट्रवाइन का उल्टा प्रोसीजर है बस ये मान के चले ट्रमाइन का रिवर्स प्रोसीजर तो देखिए सबसे पहले बच्चों इसके जो मेन पर्पज है मेन मेन पर्पज पर्पज क्या है इसके इसके दो ही है कि या तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पानी पहुंचाता है या क्या करते हैं वाटर को सर्कुलेट करता है ठीक है नहीं किसी भी लिक्विड को सर्कुलेट करने का काम करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मतलब या तो लो हेड से हाई हेड पर पहुंचाएंगे या किसी सिस्टम में पानी को सर्कुलेट करने का काम करें जैसे हम अंडरग्राउंड वाटर को क्या करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को टैंक में भरने का काम करते हैं तो वो आ जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये हम क्या कर रहे हैं सर्कुलेट कर रहे हैं लिक्विड को किसी भी सिस्टम में जैसे कोई आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है इंडस्ट्रीज में आपको फ्लूड को फ्लो करना होता है तो वहां पर आप पंप का काम करते हैं मेन पर्पज दो ही है आपके इसके लो हेड से हाई हेड तक पहुंचाने का या किसी सिस्टम में फ्लूड को सर्कुलेट करने का ये दो काम होते हैं पंप के अगर आपसे कोई पूछ ले दो टू मार्क्स में पूछ सकता है कि पंप के दो पर्पज बताइए तो दोनों पर्पज आपको ये लिखने क्लियर है नहीं इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्लासिफिकेशन की कि आपके पंप कितने टाइप के होते हैं तो पंप बच्चों दो टाइप के होते हैं आपके फर्स्ट टाइप रहता है आपका डायनेमिक प्रेशर पंप क्या रहता है डायनेमिक प्रेशर पंप जिसे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहा जाता है दोनों नाम से पूछा जा सकता है आपसे कि डायनेमिक प्रेशर पंप क्या है या नॉन डायनेमिक नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं तो पॉइंट टू पॉइंट देखिए समझाता चलूंगा मैं आपको जो आपका यहां जो डायनेमिक प्रेशर पंप होता है डायनेमिक प्रेशर पंप में जो प्रेशर जनरेट करते हैं देखिए पंप का मेन काम होता है प्रेशर को जनरेट करना प्रेशर को जनरेट करना ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट करेगा ये मान के चले ठीक है नहीं जब प्रेशर मैक्सिमम होगा प्रेशर आपका इंक्रीज होगा तभी आपका जो लिक्विड होगा वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने का काम करेगा ये ध्यान रखिएगा ठीक है नहीं तो इसमें जो प्रेशर आपका जो जनरेट होगा वो वो प्रेशर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा आपका रोटेशन ऑफ द या जो आपकी रोटर की स्पीड होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा इसमें क्या होगा जैसे ट्रमाइन आपका घूमता था ट्रमाइन घूमता था ट्रमाइन के ऊपर क्या है एक साफ्ट है साफ्ट के ऊपर आपका रनर लगा हुआ है रनर के ऊपर रनर ब्रेड है ठीक है नहीं तो हम क्या कर रहे हैं हम टर्बाइन में क्या करते थे टर्बाइन में रनर ब्रेड पर आपका वाटर अटैक करता था फिर आपका रनर घूमता था फिर आपकी साफ्ट घूमती थी यहां पर उल्टा है पहले आपकी साफ्ट घूमेगी इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं साफ्ट को घुमा रहे हैं साफ्ट घूमेगा तो क्या होगा रनर घूमेगा और रनर घूमेगा तो रनर के ब्लेड घूमेंगे और जब रनर के ब्लेड गुमेंगे, ब्लेड घूमेंगे बच्चों तो क्या होगा वो जो वाटर होगा आपका वो उस पर प्रेशर जनरेट करेगा उस पर प्रेशर जनरेट करके क्या करेगा उसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर पहुंचाने का काम करेगा तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उस रोटर की उतना ही आप ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं तो इसलिए मैं इसमें कह रहा हूं कि जो पंप होता है जो आपका डायनेमिक प्रेशर पंप होता है इसमें जो प्रेशर जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा वो रोटर की स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा ये ध्यान रखना है दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि आपका जो ये पंप है ये लो प्रेशर के लिए यूज किया जाता है और हाई वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है डायनेमिक प्रेशर पंप से आपको जो हेड मिलेगा जो आप पानी पहुंचा सकते हैं वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकते दस मीटर का हेड बीस मीटर का हेड इतने तक तो पहुंचा लेंगे आप आप अगर कहेंगे पचास मीटर के हेड में पहुंचाना हो तो दिक्कत हो जाएगी आप ठीक है नहीं तो ये भी जो डायनेमिक प्रेशर पंप होता है यहां पर आपको प्रेशर कम मिलता है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा मिलता है ठीक है नहीं प्रेशर कम मिलेगा वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा ये कह सकते हो जो हेड होगा जो ऊंचाई होगी पानी की वो कम मिलेगी और वॉल्यूम आपको कम मिले वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा एक चार जो होगा पानी का क्वांटिटी जो होगी वो ज़्यादा मिलेगी ये बात ध्यान रखनी ठीक है नहीं और जो इसके एडवांटेज है एडवांटेज सबसे ज़्यादा हम इसके इसीलिए यूज करते हैं डायनेमिक प्रेशर पंप को इसकी इनिशियल कॉस्ट कम है मेंटेनेंस कॉस्ट कम है क्योंकि इसके मूविंग पार्ट्स कम रहते हैं ठीक है नहीं दूसरा जो ऑपरेशन है वो सिंपल है हाइयर रिलायबिलिटी है और सुटेबिलिटी भी वाइड रेंज ऑफ फ्लूड और बहुत सारे फ्लूड हम इसमें यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं कि केवल वाटर को ही सर्कुलेट कर सकते हैं जो हाई डेंसिटी हाई विस्कोसिटी के फ्लूड होते हैं उन्हें भी आप आसानी से डायनेमिक प्रेशर पंप की हेल्प से क्या कर सकते हैं सर्कुलेट कर सकते हैं तो ये कुछ इसके फायदे हैं जिसके लिए हम डायनेमिक प्रेशर पंप यूज करते हैं ठीक है नहीं कॉस्ट लो हो गई मेंटेनेंस कम हो गया सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया इजी टू ऑपरेट हो गया ऑपरेटर आसानी से कर सकते हैं दूसरा बात क्या है नंबर ऑफ रेंज इसमें जो फ्लूड की रेंज है वो नंबर ऑफ नंबर ऑफ फ्लूड आप यूज कर सकते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है जो मेन एग्जाम्पल है बच्चों उसका सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप इसका मेन एग्जाम्पल है डायनेमिक प्रेशर पंप का ठीक है नहीं इसलिए आपको क्लासिफिकेशन पहले बताना पड़ा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है वो सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी इसलिए मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन आपको समझा तो डायनेमिक प्रेशर पंप आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं जो दूसरा टाइप से आपका दूसरा जो सेकंड टाइप से आपका वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप डायनेमिक प्रेशर पंप को इसलिए नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वो नॉन पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये हुई की, तो एक साइकिल में जो वॉल्यूम मिलेगा वो फिक्स मिलेगा उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा आपको पर हर साइकिल में उतना ही वॉल्यूम मिलेगा वो ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा क्लियर है नहीं और आपको जो वाटर डिस्चार्ज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा आपके डिस्प्लेसमेंट पर या रोटर की स्पीड पर इसमें आपने देखो ये आप जब मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आईसी इंजन की ओर ये लगभग आईसी इंजन की तरह काम करता है आईसी इंजन में क्या होता है आईसी इंजन में सिलेंडर और पिस्टन इस तरह से काम करता है आपका सिलेंडर होता है उसके अंदर पिस्टन मूव करता रहता है तो वो पिस्टन क्या करता है इसमें यहां पर पिस्टन वाटर को अपने अंदर सक करेगा पहले चक करने के बाद फिर उस वाटर को प्रेशर अप्लाई करेगा वाटर पर और उसे डिलीवरी पाइप में पहुंचा देगा नीचे वाले पाइप से पानी पहले सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा फिर जब आपका पंप इस, इस डायरेक्शन में जाएगा फिर वो डिलीवरी पाइप से ऊपर चला जाएगा इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेसी प्रोकेटिंग पम्प रेसी प्रोकेटिंग पंप में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी की पूरी वर्किंग वर्किंग यही चलेगी तो ध्यान रखना है कि इसमें जो आपको वॉल्यूम मिलेगा वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मिलेगा पर साइकिल ठीक है नहीं और जो प्रोपोर्शनल होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के यानी आपका जो सिलेंडर पिस्टल है उसका वॉल्यूम कितना है आपका पिस्टन इस पॉइंट से इधर पॉइंट तक लेफ्ट से राइट जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वो उतने ही वाटर को कंटेन कर सकता है उतना ही वाटर आपको दे सकता है ठीक है तो ये ध्यान रखना दूसरी बात इसका जो यूज होता है इसका यूज हम करते हैं इंडस्ट्रीज में ज्यादातर इसका इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पर हमें हाई हेड की आवश्यकता होती है इस पंप में आपको हेड ज़्यादा मिलेगा प्रेशर ज़्यादा मिलेगा लेकिन वॉल्यूम कम मिलेगा ठीक है ना ये ध्यान रखना जहां पर आपको वॉल्यूम कम चाहिए लेकिन हेड ज्यादा चाहिए प्रेशर ज्यादा चाहिए वहां पर आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ही यूज करेंगे ये ध्यान रखना है आपको ठीक है नहीं और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है मैंने बताया एक्सीलेंट रहता है हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए हाई प्रेशर जनरेट के लिए सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया इसका रेसिप्रोकेटिंग पंप गियर पंप वेन पंप ये सब होते हैं लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप ही है ठीक है केवल रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ना है हमें पंप गियर पंप के बारे में नहीं पढ़ना तो बच्चों आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप तो दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए कि हाइड्रोलिक पंप क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया उसके बाद हाइड्रोलिक पंप के टाइप्स कितने होते हैं क्लासिफिकेशन क्या है दो तरह के बताए दोनों मैंने आपको डिस्कस कर दिए नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नॉन पॉजिटिव को डायनेमिक प्रेशर पंप भी कहा जाता है अब बात करते हैं सीधे टॉपिक पर आते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप पर फाइनल टॉपिक है आज का तीसरा जो टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल पंप 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 क्या होता है देखिए सबसे पहले तो अगर की बात करो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि कोई भी पंप है आपका वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोजन एनर्जी में कन्वर्ट करता है कोई भी पंप मकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है ठीक है नहीं सबसे पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं दूसरी बात क्या है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं इसका यूज का होता है इस पंप का यूज होता है किसी भी फ्लूड को लो लेवल से हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए ठीक है नहीं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने के लिए उसका काम किया जाता है ये पंप में आप लिख सकते हैं ये दोनों चीजें आप सेंट्रिफिकल पंप में भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी लिख सकते हैं ठीक है नहीं दोनों में यह लाइन आ जाएगी कि जो आपका पंप है सेंट्रिफिकल पंप है रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसमें मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करते हैं और इसका यूज हम किसी भी फ्लूड को एक लेवल से दूसरे लेवल पर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने के लिए किया जाता है ये बात आप कॉमन लिख सकते हैं इसका यूज कहाँ होता है इसका यूज देखिए एग्रीकल्चर में यूज करते हैं म्यूनिसिपल में यूज करते हैं जो आपने देखा होगा नाले वगैरह से जो पानी निकालते हैं मशीन उसमें भी यही आपका जो पंप होता है यही काम करता है ठीक है नी इंडस्ट्री में यूज होता है पावर जनरेशन प्लांट में यूज होता है पेट्रोलियम माइनिंग केमिकल फार्मेटिकल एंड जितनी भी कंपनीज हैं लगभग सभी कंपनी में जहां पर फ्लूड का फ्लो हो रहा है वहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं ये ध्यान रखेगा पेट्रोलियम में भी क्या होता है में नीचे कुओं से तेल निकाला जाता है फिर उसकी जो है रिफाइनरी की जाती है तो वो सब किसके थ्रू होते हैं पाइप के थ्रू ही होती है पंप के थ्रू होते हैं पंप क्या करता है नीचे से वाटर को सॉरी ऑयल को निकालने का काम करता है ठीक है नहीं <coughs> और सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है बच्चों

सबसे पहला रहेगा साफ्ट एंड सॉफ्ट स्लिप फिर आएगा इंपिलर फिर आएगा केसिंग एक आएगा सक्शन पाइप और एक आएगा डिलीवरी पाइप पांच आपके टाइप्स रहेंगे किसके सेंट्री सॉरी पार्ट्स रहेंगे किसके सेंट्रिफिकल पंप के अगर मैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करूं वहां पर नंबर ऑफ पार्ट लगभग नाइन हो जाते हैं यहां पर नंबर ऑफ पार्ट फाइव रहते हैं तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ पार्ट्स कम रहेंगे तो मेंटेनेंस भी आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले एक एक पार्ट्स की बात करेंगे सबसे पहले साफ्ट और साफ्ट सीलिंग की बात करता हूं साफ्ट क्या है देखिए आपको पंप को ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए एक साफ्ट होगी इस साफ्ट पर एक तरफ इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होगा और दूसरे सिरे पर आपका इंपिलर लगा हुआ होगा इंपिलर मतलब रनर जिसके रनर के ब्लेड होंगे जिसके ऊपर लगे हुए होंगे जो ट्रवाइन में लगा होता था तो इस तरह की साफ्ट होगी इतने हिस्से में क्या लगा हुआ है इतने हिस्से में आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है

मोटर की पावर को इंपिलर की पावर तक ट्रांसफर करने का काम करती है जिससे इंपिलर और इंपिलर के ब्लेड रोटेट करना शुरू कर देते हैं यह तो हो गई साफ्ट रही बात साफ्ट सिलीव की साफ्ट सिलीव क्या होती है आपकी आपका जो हिस्सा बचा देखिए साफ्ट सिलीव में ये इस बीच का हिस्सा बचा अब इस बीच के हिस्से में जब ये पानी के बीच में काम करेगी तो उसके ऊपर पानी की बूंदे वगैरह कुछ ना कुछ डलती रहेंगी रहेगी जमती रहेगी तो ये हो सकता है साफ्ट आपके खराब हो जाए तो इसे खराब से होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं इस पर कवर लगा देते हैं एक कवर कर देते हैं जिससे ये कोरोजन और इरोजन से बची रहती है ना इस इसपे जंग लगेगा ना इससे मटेरियल रिमूव होगा ना इस इसपे कोई डस्ट बैठेगी अगर खराब भी होगा तो वो आपकी जो कवरिंग होगी वही खराब होगी उसे आप बदल भी सकते हैं ठीक है नहीं कवरिंग खराब होने से कोई साफ्ट में फर्क नहीं पड़ेगा तो साफ्ट को कोरोजन और इरोजन से बचाने के लिए उस पर जो हम स्लीव लगाते हैं उसे कहते हैं साफ्ट स्लीव तो ये है बच्चों पहला कंपोनेंट आपका साफ्ट एंड साफ्ट स्लीव यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं देखिए ये साफ्ट के दो सिरे हैं एक सिरा ये है एक सिरा ये है इधर मान ली इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है इधर आपका जो है इम्पीलर लगा हुआ है और बीच में जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है जो खाली पोर्शन रहेगा साफ्ट का उस पर हमने साफ्ट स्लीव लगा दी ठीक है तो ये हो गई आपकी साफ्ट स्लीव सेकेंड आता है इम्पीलर क्या आता है जी इम्पीलर इंपिलर क्या होता है देखिए मैंने अभी आपको बताया कि साफ्ट के एक सिरे पर मोटर दूसरे सिरे पर रनर तो जो रनर है जो साफ्ट के ऊपर रोटेट कर रहा है ठीक है नहीं जो मैकेनिकल एनर्जी को यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई आपने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी साफ्ट के थ्रू मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दी अब उस मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में कौन कन्वर्ट करेगा हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करेगा इंपिलर आपका रनर समझ में मांगे नहीं बात तो रनर जब घूमेगा उस पर तो जो ब्लेड होंगे वो रोटेट करेंगे वो पानी को क्या करेंगे पानी को इनलेट से उठाएंगे और उसे रोटेट करके बाहर फेंकेंगे वो कौन काम करेगा वो काम करेगा आपका कौन काम करेगा वो काम करेगा आपका इम्पीलर और देखिए ये आपका इम्पीलर रहेगा इस तरह का इस तरह का इम्पीलर होता है आप देख लीजिए ये इम्पीलर है आपका ठीक है नहीं नी पर ये साफ्ट लगी हुई होगी इतने पोर्शन में और ये साफ्ट के ब्लेड है सॉरी इंपिलर के जो ब्लेड है ये क्या है इम्पिलर के ब्लेड है तो ये इम्पीलर होगा जो साफ्ट माउंट रहेगा और आपका रोटेट करेगा और मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा ठीक है नहीं डायग्राम भी मैं समझाऊंगा आपको पूरा का पूरा अभी आप कंपोनेंट के बारे में समझ लो सारा उसके बाद थर्ड आता है केसिंग क्या आती है केसिंग केसिंग आपको पता है केसिंग क्या होता है जो कवर करने का काम करता है पूरे पंप को जो कवर करने का काम करते हैं हम पंप लाते हैं तो उस पंप में ना तो मुझे इलेक्ट्रिक मोटर नजर आती ना मुझे इंपिलर नजर आता ना इंपिलर के ब्लेड नजर आते सिर्फ एक ऊपर कवर लगा रहता है तो वही कवर आपका क्या कहलाता है केसिंग कहलाता है क्योंकि जब उसके अंदर पानी सर्कुलेट करेगा हो सकता है पानी वो बाहर आ जाए अगर केसिंग नहीं करेंगे तो केसिंग क्या करता है उस वाटर को जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को बाहर एटमोस्फेर में जाने से रोकता है तो वह आपका केसिंग रहेगा ठीक है नहीं और केसिंग का क्या काम होगा केसिंग को हम इस तरह से जनरेट तो इस तरह से डिजाइन करते हैं इस तरह से केसिंग को डिजाइन किया जाता है कि वह वाटर की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का भी काम करता है केसिंग का जब डिजाइन बनाते हैं तो इस तरह से बनाया जाता है बच्चों कि वह वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो रोटेट करेगा इंपिलर के साथ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में इंक्रीज करने का काम करेगा क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तभी पानी आपका नीचे से ऊपर ले, के लेवल पर जाने का, का काम करेगा प्रेशर इंक्रीज होना जरूरी है ये ध्यान रखिएगा ठीक है अब बात करते हैं ये देखिए आपका इस तरह का रहेगा केसिंग ठीक है नहीं ये जो पोर्सन है इस पोर्सन ये वो वाला पोर्सन है जिस पोर्सन से वाटर आपका एंटर करता है

वाल्व एंड स्ट्रेनर क्या होंगे तीनों एक चीज दूसरे जुड़े हुए होंगे देखिए जैसे मान लिया आपको यहां पर आप देखेगा ये आपका यहां पर जो है ये वो वाला पोर्शन है जो पोर्शन में आपको बता रहे थे कि जहां से पानी आपका एंटर करेगा इसे कहते हैं आई आईओ पंप आई आईओ पंप जहां से पानी आपका एंटर कर रहा है यही से आपका इनलेट पाइप जुड़ा रहता है और वो इनलेट इनलेट पाइप नीचे कहां तक जाता है जैसे हम नल लगाते हैं तो नल में नीचे कहां तक बोरिंग कराते हैं जब तक हमें नीचे पानी नहीं मिल जाता है. ठीक है नहीं तो जहां तक पानी मिलता है वहां तक हम पाइप को नीचे तक पहुंचाते हैं और इस पाइप के सबसे नीचे इस पाइप के सबसे नीचे एक फुटवाल लगी रहती है और एक स्ट्रेनर लगा रहता है स्ट्रेनर का क्या काम है स्ट्रेनर एक जाली की तरह का होता है जो कूड़ा करकट को ऊपर जाने से रोकता है किसी तरह का कोई कूड़ा करकट कोई मतलब इस तरह का जो बेकार मटेरियल है वो पानी के अंदर न जाए उसे रोकने का काम करता है और आपकी जो फुटवाल फुटवाल क्या काम करती है फुटवाल जो आपका पानी होगा वो नीचे से ऊपर तो आ सकता है ऊपर से नीचे नहीं जाएगा वो पानी को केवल वन वे डायरेक्शन देती है कि पानी नीचे से केवल ऊपर ऊपर जाएगा उपर से नीचे नहीं जाएगा ये काम होता है जी फुटवाल का ठीक और जो पाइप है जो पाइप लगा हुआ है जो पानी को आपके संप से संप किसे कहते हैं संप आपका वो, वो लेवल है जिस लेवल से पानी को आप उठा रहे हैं जो पानी को संप लेवल से पंप के अंदर तक पहुंचा रहा है वो पाइप आपका क्या कहलाता है वो आपका सक्शन पाइप कहलाता है क्लियर है नहीं तो सक्शन पाइप में नीचे वाले पोर्शन पर आपकी दोनों चीजें जुड़ी हुई होंगी फुट वाल्व और स्ट्रेनर आपको डायग्राम देखे देख सकते हैं इस तरह का भी हो सकता है ये आपका तो ये तो होगी फुट वाल्व वा आपकी ये स्ट्रेनर है जाली के शेप का जाली क्या करेगी अंदर कूड़ा जैसा कोई बजरी वगैरह आ जाती है पानी में तो बजरी वगैरह को जाने से अंदर जाने से रोकेगी यह इस तरह से भी हो सकता है यह जाली इस तरह की होगी ये फुट वाल्व होगी किसी भी शेप का हो सकता है ये है बच्चों आपकी फुटबॉल और स्ट्रेनर इसी में पाइप यहां पर ऊपर कनेक्ट हो जाएगा वही पाइप आपको ऊपर वहां पर पानी को पहुंचाने का काम है नेक्स्ट आता है जी आपका डिलीवरी पाइप डिलीवरी पाइप क्या होगा भाई मैंने आपको बताया था कि पंप के एक हिस्से से पानी अंदर जाएगा एक हिस्से से बाहर निकलेगा तो बाहर जब आप उसे बाहर पानी निकलेगा तो वहां पर एक पाइप कनेक्ट कर देंगे और वो पाइप जहां तक आपको पानी पहुंचाना है वहां तक जाएगा वो कहलाएगा आपका डिलीवरी पाइप आप यहां पर देख सकते हैं देखिए ये जो इस वाले हिस्से में जो लग रहा है जो पानी को ऊपर पहुंचाने का काम कर रहा है यह कहलाएगा आपका डिलीवरी पाइप क्या कहलाएगा डिलीवरी पाइप कहलाएगा तो यह तो बच्चों आपका हो गया मेन <coughs> पार्ट्स की सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स कौन कौन अब वर्किंग की बात करते हैं वर्किंग में देखिए पहले मैं थोड़ा डायग्राम आपको समझा दूं उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करें वर्किंग कैसे होगी देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए ध्यान से देखेगा बच्चों ये इसकी मिडिल लाइन ये पंप की मिडिल लाइन है आपके सेंटर लाइन जिसे कहेंगे इस सेंटर लाइन पर ये वाला जो पोर्शन है जिसे कहते हैं आई इस साफ्ट पर आपका ये क्या लगा हुआ है साफ्ट पर ये इम्पीलर लगा हुआ है और ये इम्पीलर के ब्लेड है आपके मैंने अब आपको इम्पीलर दिखाते इम्पीलर किस तरह का होता है ये इम्पीलर के आपके ब्लेड ठीक अब क्या होगा इस आईओ पंप से नीचे की ओर आपका क्या लगेगा आपका एक सक्शन पाइप लगा हुआ होगा जिसके नीचे फुटवाल और स्टेनर लगी हुई होगी और जो संप होगा संप जिसे कहते हैं जिस लेवल पर आपका पानी है उस लेवल से पानी को उठाने का काम करता करे फुटवाल स्टेनर के बारे में मैं समझाई चुका हूं आपको क्या होता है अब जैसे ही आप ये जो साफ्ट आपको नजर आ रही है इस साफ्ट का एक सिरा रनर से जुड़ा हुआ है सॉरी इंपिलर से जुड़ा हुआ है रनर से जुड़ा हुआ है एक सिरा इलेक्ट्रिक पंप से जुड़ा हुआ है सबसे पहले आप क्या करेंगे इलेक्ट्रिक पंप का जो तार होगा वो उसमें सॉकेट में लगाएंगे वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी जानी स्टार्ट होगी जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी जानी स्टार्ट होगी आपका इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो काम करना शुरू करेगा और आपकी साफ रोटेट करने लगेगी जब साफ रोटेट करेगी बच्चों तो क्या होगा आपका जो ये जो रनर है ये रनर भी रोटेट करना शुरू करेगा और जब ये रनर रोटेट करेगा जब ये रनर रोटेट करेगा तो क्या होगा यहां से प्रेशर जनरेट होगा प्रेशर जनरेट होगा नहीं और जैसे इस पंप के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमोस्फिर प्रेशर से ज्यादा होगा जैसे इसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा सॉरी एक मिनट यहां पर पहले मैं इसकी प्राइमिंग समझा देता हूं आपको देखिए सबसे पहले ये तो काम करेगा ही करेगा कि भाई आपका ये आपका यहां पर क्या लग गया ये आपका यहां पर इंपीरियर लग गया ये आईओ पंप हो गई और यहां पर जो केसिंग है ये आपकी क्या कहलाएगी आपकी केसिंग कहलाएगी क्या कहलाएगी केसिंग यहां से यहां तक और केसिंग में बच्चों आप देख लो पहले केसिंग में क्या होता है केसिंग में आपका जो पानी है आपका जो पानी है वो कैसे जा रहा है देखो यहां से इस तरह से जाएगा ये इस तरह ठीक है नहीं यहां से आप एरो के साइन भी देख रहे होंगे केसिंग का एरिया बढ़ता जा रहा है केसिंग का एरिया यहां कम है या ज्यादा है तो केसिंग का एरिया हम क्यों बढ़ा रहे हैं अगर मुझे प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो मैं एरिया को घटाता हूं और अगर काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो एरिया को बढ़ाता हूं तो इस एरिया को बढ़ाकर मैं क्या कर रहा हूं इस एरिया को बढ़ाकर बच्चों मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा हूं बात समझ में आ गई केसिंग की उसके बाद ये डिलीवरी पाइप हो गया आपका डिलीवरी पाइप क्या करता है डिलीवरी पाइप पानी को पहुंचाने का काम करता है जहां तक आपको पहुंचाना है और यहां पर एक वाल लगी हुई होगी इसे कहेंगे डिलीवरी वाल क्या कहेंगे डिलीवरी वाल कहेंगे क्लियर है नहीं अब देखिए अब क्या होगा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रेशर की तो जैसे मैंने आपको बताया था हीट कहाँ से कहाँ कर ट्रांसफर करती है हीट आपकी मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है मैक्सिमम से मिनिमम की ओर ट्रांसफर होती है इसी तरीके से आपका जो वाटर होगा इसमें वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा कहाँ जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा बात ध्यान रहेगी जैसे हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है इसी तरीके से जो वाटर है वो पंप में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने का काम करेगा कैसे सबसे पहले जो इसका स्टेप रहेगा बच्चों आप पहले स्टेप से समझ लीजिए ये तो मैंने आपको कंपोनेंट वगैरह सब समझा दिया कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है सबसे पहले हमें सेंट्रमिकल पंप में प्राइमिंग करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी प्राइमिंग अब प्राइमिंग क्या होती है ये सीख लीजिए प्राइमिंग क्या होती है जैसे ही मैं पंप को स्टार्ट करूंगा बच्चों तो मैं पहले ये चेक करूंगा कि जो पंप है इसके अंदर कहीं एयर तो एयर बबल तो नहीं है कहीं जो आपका इंपिलर है इसके में एयर तो नहीं है एयर ना होनी चाहिए बिल्कुल भी अगर एयर उसके अंदर चली गई तो आपको डिस्चार्ज कम मिलने लगेगा क्यों मिलेगा अब ये समझ लो देखो यहां से जो प्रेशर जनरेट होगा जो आप प्रेशर जनरेट करेंगे बच्चों वो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है वो प्रेशर जो इंपिलर से इंपिलर के कॉन्टेक्ट में जो फ्लूड आएगा उसकी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और आप जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी होती है एक हजार किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एयर की डेंसिटी कितनी होती है होती है नहीं लगभग एक हजार गुना कम है एयर की डेंसिटी यानी अगर एयर इसके कॉन्टेक्ट में आ गई तो ऑटोमेटिक आपका डिस्चार्ज कम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं ये कोशिश करता हूं कि जब पंप को स्टार्ट करूं तो इस पंप में एक नट बोल्ट लगा रहता है उस नट बोल्ट को ऊपर से खोल के इसके अंदर पानी भरने का काम करता हूं और उस पानी को तब तक भरता हूं जब तक आपके संप लेवल से इस डिलीवरी वाल तक पानी पानी ना हो जाए इतना पानी इसके अंदर डालता हूं कि यहां से यह का यहां तक आपका पानी फुल भर जाए फिर जब मुझे पता चल जाएगा कि पूरा के पूरे पोर्शन में पानी भरा गया अब उसमें एयर के लिए कोई जगह नहीं बची तब जाके मैं पंप स्टार्ट करता हूं तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका प्राइमिंग ठीक है नहीं प्राइमिंग करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो प्रेशर जनरेट होता है वो फ्ल्यूड की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है अगर इसके कॉन्टेक्ट में एयर आ गई तो आपका प्रेशर कम जनरेट होगा ठीक है नहीं तो तो सबसे पहले तो बच्चों आप इसके अंदर प्राइमिंग प्राइमिंग करेंगे प्राइमिंग करने के बाद देखिए क्या होगा प्राइमिंग करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा आपका सेकंड स्टेप ये होगा कि आप यहां पर जो आपकी डिलीवरी वाल्व वाले से क्लोज करके रखे क्लोज रहेगी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी जैसे इसके अंदर हाई प्रेशर जनरेट होगा डिलीवरी वाल्व आपकी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी इसे आपको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है अब आप क्या करेंगे अब प्राइमिंग करने के बाद आपने मोटर चलाई मोटर चलाने के बाद आपका इंपिलर घूमना शुरू किया अब जब इम्पिलर घूमेगा जब इम्पिलर घूमेगा तो जो सक्शन पाइप है इस सक्शन पाइप के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा सक्शन पाइप के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा बाहर एटमोसफेयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा पाइप के अंदर प्रेशर कम होगा ठीक है नहीं तो जब पाइप के अंदर प्रेशर कम होगा बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी आपका इस पाइप के थ्रू यहां से अंदर जाना शुरू कर देगा इस पाइप के थ्रू आपका पानी यहां से अंदर जाना शुरू कर देगा क्योंकि पानी आपका कहां से फ्लो करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ठीक तो जब पानी यहां से टकराएगा तो पानी आपका इस तरह से केसिंग केसिंग में टकराना शुरू करेगा पहले पानी ब्लेड से टकराएगा फिर केसिंग से तो जब केसिंग से टकराएगा बच्चों तो टो टो क्या होगा यहां से पानी जाना शुरू करेगा इस इस पोर्शन से यहां एरिया कम है और आगे जाते जाते एरिया इसका बढ़ता जा रहा है ठीक है नहीं बताओ तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी वाटर की थी यहां तक आते आते इस पोर्शन तक आते आते आपकी वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डाउन हो जाएगी और प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ठीक है नहीं यानी जब आपका डिलीवरी पाइप के अंदर पानी जाएगा केसिंग से तो वो कैसे जाएगा वो हाई प्रेशर से जाएगा और जब अंदर का प्रेशर हाई होगा पानी का और बाहर का एटमोस्फिर प्रेशर कम होगा तो आपकी ये डिलीवरी वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी और आपका पानी डिलीवरी वाल्व वाल से होकर बाहर चला जाएगा ठीक है नहीं और ये ये डिलीवरी वाल भी वन वे वाल होती है पानी नीचे से ऊपर तो जा सकता है जैसे ही मोटर बंद होगा पानी आपका जो बचा हुआ होगा ऊपर वो नीचे नहीं आएगा ये ध्यान रखना ठीक है नहीं तो इस तरह से बच्चों आपका क्या काम करेगा जो प्रेशर डिफरेंस होता है जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा उस प्रेशर डिफरेंस का यूज करते हुए आपका पंप काम करेगा ठीक है नहीं इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम वर्किंग के बाद आपका जो है इसके हेड हेड होते हैं कुछ इसके हेड किसे कहते हैं देखिए ऊंचाई को एक होता है सेक्शन हेड एक होता है आपका डिलीवरी हेड एक होता है टोटल हेड एक होता है मेनोमेट्रिक चार हेड पाए जाते हैं आपके पंप में तो हेड कौन सा होगा बच्चों देखो ये ये लेवल लेवल है है आपका ये है और ये आपकी सेंट्रल लाइन है पंप की ये सेंट्रल लाइन है तो संप लेवल से सेंट्रल लाइन तक संप लेवल से सेंट्रल लाइन तक की जो हाइट होगी जितनी जितनी हाइट से जितनी मतलब गहराई से आपका जो ये सक्शन पाइप है ये पानी को उठा रहा है इतनी हाइट से जितनी गहराई से सॉरी ये पानी को उठा रहा है वो क्या कहलाएगी आपकी वो आपका सक्शन हेड कहलाएगा क्या कहलाएगा सक्शन हेड कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन द संप लेवल एंड सेंटर लाइन डिस्टेंस बिटवीन द संप लेवल एंड सेंटर लाइन विच इज कॉल्ड सक्शन हेड ये ध्यान रखना है इसे डिनोट करते हैं एच से इससे डिनोट करते हैं एच से डिनोट करते हैं अब बात करते हैं डिलीवरी हेड की डिलीवरी हेड क्या होगा बच्चों आपका जो आपकी सेंट्रल लाइन है सेंट्रल लाइन से आप पानी को ऊपर जिस लेवल तक पहुंचा रहे हैं सेंट्रल लाइन से पानी को जिस ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं उतनी ऊंचाई आपके क्या कहलाएगी डिलीवरी हेड कहलाएगी ठीक है नहीं ये आप कम ज्यादा भी हो सकती है ऐसा नहीं फिक्स है आपको सेकंड फ्लोर पर पहुंचाना है थर्ड फ्लोर पर पहुंचाना है उसी के हिसाब से आपका डिलीवरी हेड चेंज होता रहेगा ठीक है भाई और इसे जो डिनोट करते हैं बच्चों वो एच डी से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं एच डी से ये आपका डिलीवरी हेड हो गया डिलीवरी हेड के बाद बच्चों आपका आता है यहां पर स्टेटिक आपका आपका जो वाटर है आपका वाटर संप लेवल से ऊपर जहां डिलीवरी तक पहुंच रहा है संप लेवल से डिलीवरी तक जहां तक पहुंच रहा है वो पूरी की पूरी हाइट क्या कहलाएगी आपकी वो हेड कहलाएगी इसे कैपिटल एच से डिनोट करेंगे किससे डिनोट करेंगे कैपिटल एच से डिनोट करेंगे और कैपिटल एच किसकी वैल्यू होगी भाई देखो यहां से यहां तक है सक्सेन हेड यहां से यहां तक है डिलीवरी हैड इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा इन दोनों का सम इक्वल होगा स्टेटिक हेड के इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा स्टेटिक क्लियर है नहीं तो स्टेटिक स्टेटिक हेड सम्प लेवल से डिलीवरी लेवल तक की जो हाइट होगी वो आपकी स्टेटिक हेड कहलाएगी या कह सकते हैं कि आपका स्टेटिक हेड और डिलीवरी हेड दोनों का सम क्या कहलाएगा दोनों का सम आपका स्टेटिक हेड कहलाएगा ठीक अब ये हेड आपका जो एच है ये हेड आपका वो हेड है जो आपको मिला है भाई यहां से आपने पानी उठाया और यहां तक पहुंचा दिया लेकिन यहां से यहां तक पानी जाने में कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस हुई होगी कुछ ना कुछ हेड तो आपका ऐसा होगा जो लॉस हो गया होगा हुआ होगा नहीं भाई एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट तो होती नहीं कुछ एनर्जी तो आपकी लॉस हो जाती है तो जो एनर्जी आपकी लॉस हो गई बच्चों उसका क्या रहेगा जो एनर्जी आपकी लॉस हो गई उसका क्या रहेगा ठीक है नहीं उसके लिए एक मेनोमेट्रिक हेड बनता है क्या बनता है मैनोमेट्रिक है ठीक है नहीं कि आपके पंप ने ये तो आपको मिला है जो स्टेटिक तो रूप में इनपुट हेड कितना था आपका पंप कितना हेड जनरेट कर रहा था टोटल टोटल पंप कितना जनरेट करेगा भाई एक तो सक्शन हेड प्लस एक डिलीवरी हेड दो तो यह होंगे एक इसमें जुड़ जाएगा फ्रिक्शनल हेड लॉस इन सक्शन पाइप सक्सन पाइप में फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस हुआ वो प्लस फ्रिक्शनल हेड लॉस इन डिलीवरी डिलीवरी पाइप पाइप में फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस हुआ वो और प्लस वेलोसिटी हेड इन डिलीवरी पाइप और जो डिलीवरी पाइप है आपका उस डिलीवरी पाइप में जो वेलोसिटी की वजह से वेलोसिटी की वजह से जो आपका क्या हुआ हेड लॉस हुआ वो उन सबको जोड़कर आपका जो हेड बनेगा वो क्या लाएगा मेनुमेट्रिक हेड मेनोमेट्रिक हेड यानी आपका सेंट्रीब्यूगल पंप जिस हेड के अगेंस्ट काम कर रहा है भले ही वो हेड लॉस हो गया उन सब हेड को अगर मैं जोड़ दूं तो उन सब का समय आपका क्या कहलाएगा मैनोमेट्रिक समझ में आ गई तो ये थे बच्चों हेड की बात अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये कितनी तरीके के होते हैं क्लासिफिकेशन अलग अलग, अलग, अलग अकॉर्डिंग होते हैं इसमें भी देखिए सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ इंपिलर इम्पीनर का डिजाइन कैसा है इंपिलर भी अलग अलग डिजाइन के होते हैं मैं भी आपको दिखाऊंगा तो तीन तरीके के इंपिलर हो सकते हैं आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग एक आएगा ओपन इंपिलर एक सेमी ओपन इंपिलर एक क्लोज इंपिलर देखिए अगर आपकी विस्कोसिटी ज्यादा है जो फ्रूड आप यूज कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो आप ओपन इंपिलर का यूज करेंगे अगर आपकी विस्कोसिटी मीडियम है तो आप क्या करेंगे आप सेमी करें। ओपन इंपिलर का यूज करेंगे ओपन इंपिलर में केवल ब्लेड होते हैं साइड की बात नहीं होती सेमी ओपन इंपिलर में ब्लेड होगा एक तरफ वाल्व होगी दूसरी तरफ वाल्व नहीं होगी और जो आपका क्लोज इम्पिलर होगा इसमें ब्लेड भी होंगे और दोनों तरफ वाल होंगे दोनों तरफ बाल लगी हुई होंगी बाल कवर करके रखेंगे ब्लेड को ठीक है नहीं तो जो लो विस्कोसिटी का होगा वहां पर हम क्लोज इम्पिलर यूज करें ठीक है नहीं तो आप देख सकते हैं देखिए डायग्राम में ये ओपन इम्पिलर है दोनों तरफ कोई वाल नहीं है ये आपका सेमी इंपिलर है एक तरफ बाल है दूसरी तरफ बाल नहीं है यह आपका क्लोज इम्पिलर है दोनों तरफ आपकी बाल लगी है दोनों तरफ से आपके जो ब्लेड है वो कवर ठीक है अब इसके बाद सेकंड आपका आता है अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ केसिंग आपकी जो केसिंग है उसका डिजाइन कैसा है केसिंग का डिजाइन कैसा बनाया आपने तो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ केसिंग आपका जो रहेगा फर्स्ट रहेगा वोल्यूट केसिंग वोल्यूट केसिंग वही होती है जो मैंने इस पंप में बताई है वोल्यूट केसिंग के अंदर क्या होता है बच्चों हम क्या करते हैं जो केसिंग बना रहे हैं इसके एरिया को इंक्रीज करते हैं केसिंग जो बना रहे हैं इसके एरिया को इंक्रीज करें यहां पर एरिया कम है यहां पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका एरिया बढ़ता जा रहा है यानी हमारा जो मेन केसिंग का परपज है मेन केसिंग का है कि वेलोसिटी वेलोसिटी को डाउन करना, डाउन करना होगी तो काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक आपकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो इसमें जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे ही आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी क्लियर है नहीं प्रेस एरिया बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी तो इस तरह की अगर केसिंग यूज कर रहे हैं तो ये आपकी वोल्यूट केसिंग कहलाएगी ठीक है ना इसके अंदर आपका एरिया बढ़ता चला जाता है सेकेंड आती है केसिंग केसिंग आपकी जो होती है बच्चों ये एक सर्कुलर केसिंग होती है सर्कुलर केसिंग होती है इसमें लगभग जो डायमीटर रहता है वो सेम रहता है डायमीटर सेम रहता है पूरे केसिंग का लेकिन इसमें जो आपका जो आपकी वेलोसिटी जो डिक्रीज होगी बच्चों जो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी वह कैसी होगी वो जो उसकी रेडियस है यहां से यहां तक जो आपको रेडियस नजर आ रही है जितनी ज्यादा इसकी रेडियस होगी केसिंग की रेडियस जितनी ज्यादा मैं रखूंगा उतनी ही आपकी वेलोसिटी डाउन होती चली जाएगी ठीक है नहीं यानी इसमें जो वेलोसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के रेडियस बढ़ेगी वेलोसिटी डाउन होगी तो इसमें जो हम केसिंग लेते हैं बच्चों वो ज्यादा रेडियस की लेते हैं वो किसकी लेते हैं ज्यादा रेडियस की लेते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा रेडियस रहेगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी डाउन होगी काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी और प्रेशर एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी ये ध्यान रखना थर्ड आपकी आती है बच्चों के अंदर केसिंग विद गाइड ब्लेड गाइड ब्लेड हम इसलिए लगाते हैं बच्चों हम क्या करते हैं गाइड ब्लेड में आपका रनर है रनर के ऊपर क्या आ गया केसिंग आ गई इसमें रनर के ऊपर एक गाइड ब्लेड लगा दिए जाते हैं क्यों लगाते हैं रेडियस को इंक्रीज करने के लिए जब आप रनर उसके ऊपर गाइड ब्लेड उसके ऊपर केसिंग तो ऑटोमेटिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी और जब रेडियस इंक्रीज होगी तो क्या होगा रेडियस इंक्रीज होने से आपकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी वेलोसिटी डाउन होगी तो काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी और काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी तो आपकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी कुल मिलाकर रेडियस को बढ़ाना है काइनेटिक एनर्जी को घटाना है यह काम है और गाइड ब्लेड का एक फायदा यह भी रहता है देखिए यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका रनर है रनर से जब पानी जाएगा तो वो सीधा पहले किससे टकराएगा वो टकराएगा आपका इससे किससे बच्चों वो आपका यहाँ पर जो ये ब्लेड है ध्यान से समझिएगा जो ये गाइड ब्लेड लगे हुए ये है, है गाइड ब्लेड आपके वो गाइड ब्लेड से टकराएगा तो जो सोक जनरेट होगा जो वाइब्रेशन जनरेट होगी इसके अंदर वो ये गाइड ब्लेड उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और यहाँ पर आपका जो फ्लो है पानी का वो स्मूथली यहां से होता हुआ यहाँ ऊपर निकल जाएगा ठीक है नहीं और रेडियस देखे जब मैंने गाइड ब्रेड लगा दिया तो रेडियस इंक्रीज हो गई रेडियस इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा आपकी ऑटोमेटिक वेलोसिटी डाउन हो जाएगी ठीक है नहीं तो गाइड के दो फायदे हैं रेडियस इंक्रीज हो जाती है और किसी तरह का किसी तरह का झटका वाइब्रेशन इसके अंदर नहीं होता ठीक है नहीं स्मूथली फ्लो बना रहता है नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इम्पिनर इम्पीनर कितने यूज कर रहे हैं आप इंपीनर का मतलब आपको आपने मैंने भी आपको दिखाया था जो रनर है वो रनर कितने यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं कि एक ही रनर होता है एक से ज्यादा भी रनर हो जाते हैं तो अगर आप एक रनर यूज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप और अगर आप ज्यादा रनर यूज कर रहे हैं वो कहलाएगा मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप देखिए जहां पर आपको कम प्रेशर जनरेट करना होता है वहां हम सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं लेकिन जहां पर आपको प्रेशर ज्यादा जनरेट करना पड़ता है वहां पर हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं आपको मैं भी डायग्राम दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा आपको ये आपका सिंगल स्टेज है देखिए यहां पर यह मोटर लगी हुई है यह साफ है ये बीच में अंदर यह एक इम्पीलर लगा हुआ है ठीक है नहीं तो जितना प्रेशर जनरेट करेगा यही करेगा इधर मल्टी स्टेज है यहां पर देखिए एक दो देखिए यहां पर आप आ जाएगा एक दो तीन चार पांच पांच इंपिलर लगे तो जैसे ही वाटर यहां से एंटर करेगा तो ये प्रेशर को इंक्रीज कर देगा वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी फिर यहां से जब इसके अंदर एंटर करेगा तो वो हाई प्रेशर से एंटर करेगा हाई प्रेशर से एंटर करेगा नहीं ये और बढ़ा देगा फिर यहां जाएगा ये और बढ़ा देगा ये और क... इंक्रीज कर देगा ये और इंक्रीज कर देगा ये क्या करेगा प्रेशर को इंक्रीज करता चला जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इम्पिनर ज्यादा है ठीक है नहीं तो यहां पर देखिए जो प्रेशर की जो लाइन होगी आपकी जो प्रेशर जो इंक्रीज होगा यहां से जो इसका जो आउटलेट होगा प्रेशर का वो इसका इनपुट होगा इसका जो आउटपुट होगा प्रेशर का वो इसका इनपुट होगा फिर जो उसका आउटपुट होगा वो अगले का इनपुट होगा तो आपका मल्टी स्टेज जब होगा तो प्रेशर भी आपका मल्टी टाइम क्या हो जाएगा इंक्रीज होता चला जाएगा तो जहां ज्यादा प्रेशर जनरेट करना होता है बच्चों वहां पर मल्टी स्टेज इम्पीलर का यूज किया जाता है ठीक है फोर्थ इसके अंदर आता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द इम्पीलर आपके देखिए जो फ्लो होता है आपको जो पानी है आपका पानी जो अंदर एंटर कर रहा है वो एंटर कैसे कर रहा है और बाहर कैसे निकल रहा है पानी ने अंदर एंटर कैसे किया और बाहर कैसे निकला उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्लासिफिकेशन है सेंट्री पंप का तीन तरह का है एक है रेडियल फ्लो पंप एक है एक्सेल फ्लो पंप एक है मिक्स फ्लो पंप बिल्कुल सिंपल है डायग्राम से समझ में आ जाएगा देखिए मैं आपको बता दूं अगर आपका पानी आपका पानी देखिए साफ्ट यहां पर देखिएगा यह साफ्ट है आपकी ये आपके यहां पर साफ्ट है जो तो रोटेट कर रही है ठीक आपका पानी साफ्ट के पैनल एंटर करा जो साफ्ट घूम रही है उसके पैंडल ही आया और 90 डिग्री पर बाहर निकल गया यानी साफ्ट के पैनल ही एंटर किया और साफ्ट के परपेंडिकुलर बाहर चला गया पानी साफ्ट के पैनल ही आया और साफ्ट के परपेंडिकुलर निकल गया तो आपका फ्लो क्या रहेगा रेडियल फ्लो रेडियल फ्लो और अगर आपका पानी कैसे बच्चों आपका पानी तीसरे दूसरे वाला समझा दू साफ्ट के पैरली आया और साफ्ट के पैरली बाहर चला गया साफ्ट के पैंडल आया साफ्ट के पैंडल बाहर चला गया है वो कहलाएंगा आपका एक्सियल फ्लो एक्सियल फ्लो और अगर आपका पानी साफ्ट के पैंडल तो आया लेकिन ना तो वो ही निकला ना वो परपेंडिकुलर निकला यानी ना तो जीरो डिग्री पे निकला ना नाइन्टी डिग्री पे निकला इनके बीच में किसी एंगल पर निकल रहा है जीरो और नब्बे के यहां पर देखिए किसी एंगल को बनाते हुए निकल गया ये एंगल बन गया तो ये कहलाएगा आपका मिक्स फ्लो तो बस इतना ध्यान रखना है कि इनलेट फ्लो क्या है और आउटलेट फ्लो क्या है उसके अकॉर्डिंग आपके तीन टाइप में ठीक ल, ल, लास्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सक्शन सक्शन मतलब सक्शन का मतलब होता है कि जो आपका पानी एंटर कर रहा है वो कितनी साइड से एंटर कर रहा है देखिए जो आपकी आईज होती है जो जिस जहां से आपका इनलेट पाइप जुड़ा रहता है वो वैसे तो एक ही रहती है लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि दोनों साइड से पानी को एंटर करा देते हैं जहां पर आपको डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए वहां पर हम क्या करते हैं डबल सक्शन का यूज करते हैं तो दो सक्शन हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सक्शन सिंगल सक्शन और डबल सक्शन डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए हम डबल सक्शन का भी यूज कर सकते हैं डायग्राम के हेल्प से आप समझ जाएंगे देखिए जैसे ये आपकी आईजन यहां से पानी एंटर कर रहा है पंप के अंदर यहां से पानी आपका एंटर कर रहा है अब ये तो हो गया सिंगल आपका ये क्या हो गया सिंगल सक्शन इम्पीलर और अगर आपका पानी देखो यहां से भी एंटर कर रहा है और इधर से भी एंटर कर रहा है यानी जो आपकी केसिंग है केसिंग के एक साइड आई लगी हुई थी दूसरे जो बैक साइड है वहां भी आई है दोनों तरफ से पानी एंटर करेगा तो डिस्चार्ज भी आपको ज्यादा मिलेगा यह कहलाएगा बच्चों आपका डबल सक्शन इम्पीलर डिजाइन तो दो तरह के डिजाइन होंगे आपके सिंगल इम्पीलर सिंगल सक्शन इम्पीलर और डबल सक्शन इम्पीलर ठीक है भाई तो ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप डायग्राम से अगर आप समझ लेंगे तो थ्योरी लिखने में दिक्कत नहीं आएगी आपको जैसे मैंने सारी थ्योरी आपको प्रोवाइड कराई है अब बात करते हैं बच्चों तो एडवांटेज है। की जो ये आपका पंप है इस पंप के सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्या क्या एडवांटेज है एक एक एडवांटेज पर देखिए डिस्कस करेंगे सबसे पहला आएगा हाई इफिशियंसी क्या आएगा हाई इफिशियंसी जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा इसकी इफिशियंसी हाई होगी सबसे पहली बात यह क्योंकि तो आपको डिस्चार्ज ज्यादा मिलेगा डिजाइन इसका सिंपल है मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगी इसकी कॉस्ट भी कम होगी और ये वाइड वेरेंज वाइड रेंज ऑफ फ्लूड यूज कर सकता है मीडियम विस्कोसिटी हाई विस्कोसिटी सब तरह के यूज हो जाएंगे इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस फ्लो मिलेगा स्मूथली फ्लो मिलता रहेगा ठीक किसी तरह की लीकेज प्रॉब्लम नहीं होगी कि पानी लीक करेगा बाहर आएगा पंप से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें डील विद लार्ज वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम आपको पानी का मिलता रहेगा और एबल टू वर्क मीडियम टू लो विस्कस विस्कूड मीडियम विस्किस से लो विस्कोसिटी तक हम इसे आराम से यूज कर सकते हैं ठीक है रही बात डिसएडवांटेज की देखिए डिसएडवांटेज क्या होता है लिमिटेड सक्शन लिफ्ट मैंने आपको बताया था कम प्रेशर जनरेट करता है इससे हम ज्यादा हेड तक पानी नहीं पहुंचा सकते तो यहाँ सक्शन लिफ्ट जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी लो प्रेशर कैपेबिलिटी वही चीज़ है जब लिमिटेड सक्शन लिफ्ट होगी क्यों होगी क्योंकि प्रेशर लो होगा तो ये जो प्रेशर जनरेट करेगा वो लो जनरेट करेगा कॉन्स्टेंट सप्लाई वो फ्लूड की नीड है आपको इसमें कॉन्स्टेंट फ्लूड देना पड़ेगा संप लेवल से अगर वहां से संप लेवल से कॉन्स्टेंट फ्लूड नहीं मिलेगा तो वहां से जो प्राइमिंग की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी तो आपको कॉन्टिन्यूस पानी यहाँ से मिलता रहना चाहिए किसी भी तरह का एयर पार्टिकल पाइप के थ्रू एंटर नहीं करना चाहिए ये ध्यान रखना है और रिस्क ऑफ कैविटेशन मैंने बताया कैविटेशन का रिस्क इसका जो है ये कॉन्स्टेंटली बना रहता है अगर पानी के अंदर भी एयर बबल होगा वो भी अंदर चला गया तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते ठीक है नहीं और आपका जो पंप है अगर इन्वायरमेंट में एक्सटर्नली किसी तरह की वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है तो उसकी वजह से ये आपका पंप डैमेज भी हो सकता है क्लियर है नहीं और ये हाई विस्कोसिटी फ्लूड पर कैन नॉट डील विद हाई विस्कस फ्लूड मतलब जो आपकी मीडियम विस्कोसिटी है वहां तक तो ले लेगा अगर हाईली विस्कस किसे कहते हैं जो लगभग सोलिड टाइप का होता है जैसे आपका मट्टी का गारा देखा होगा आपने मट्टी में पानी मिला देते हैं जो वो क्या हो गया वो हाईली विस्कस फ्लूड होता है इस तरह के फ्लू को वो एंटर मतलब क्या कर सकता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं पहुंचा सकता। यानी की भी एक लिमिट है कि इस तक ही आपका काम ठीक है? अब इसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन पर कहां-कहां इसका यूज होता है सबसे पहले अगर बात करूं बिल्डिंग में जो हम पानी भरते हैं टैंक में जो पानी भरा जाता है वो सेंट्रविगल पंप से ही भरा जाता है जिसे टुल्लू पंप कहते हैं घर पर वो आपका सेंट्रीविगल पंप फायर प्रोटेक्शन में आपने देखा होगा जब कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है वहां भी वो जो पंप से बिल्कुल उसका डिस्चार्ज देखो पानी बहुत ज्यादा निकलता है वो भी सेंट्रिकल पंप की हेल्प से निकलता है ठीक है नहीं और आपका जो फार्मेटिकल इंडस्ट्रीज है वहां पर जो नेक्टोज होता है आपका डेक्टोज मतलब जो बेस मटेरियल होता है उस मटेरियल को भी सर्कुलेट करने के लिए पहुंचाने के लिए इंडस्ट्रीज में एक जगह से दूसरी जगह पर इसी का यूज किया जाता है बड़े बड़े जो आपके फ्रिज रहते हैं जो एसी रहते हैं वहां भी जो आपका कूलेंट एंड जो रेफ्रिजरेट जिसे कहते हैं उसके सर्कुलेशन के लिए भी हम पंप लगा देते हैं ठीक है नहीं उसके बाद आपका स्प्रिंकलिंग इरिगेशन ड्रेनेज इन सब में यूज रहता है इसका ठीक है उसके बाद जो है आपका टर्ट स्लेरी ऑयल एंड अदर मटेरियल पावर स्टेशन जो होते हैं पावर स्टेशन जहां मतलब जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है या ऑयल रिफाइनरीज वगैरह होती है गैस सेक्टर होता है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है ठीक है नहीं सेंट्रिब्यूगल पंप और जो डेयरी इंडस्ट्री होती है बड़ी बड़ी जो डेयरी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जो आपका मक्खन है घी है दही है और आपका दूध है वहाँ पर क्या होता है उसे एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने के लिए पाइपलाइन बिछा जाती है और उस, तो उस पाइपलाइन में सेंट्रीव्यूगल पंप भी क्या करता है उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुँचाने का काम करता है तो ये था बच्चों आज की वीडियो में सेंट्रीव्यूगल पंप का पूरा चिट्ठा पूरा इसका खानदान क्या इसके क्लासिफिकेशन है कितने तरह का हो सकता है क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है सब कुछ मैंने अच्छे से बताने की कोशिश किया बच्चों अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा तो पढ़ते रहें बच्चों मेहनत करते रहें लगातार अपनी स्टडी को बनाए रखें एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करें वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अगली वीडियो मिलते हैं लास्ट वीडियो एक वीडियो आपकी दो वीडियो भी और बची है ठीक है ना तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप तब तक के लिए धन्यवाद